बनाएंगे बटर नान। बटर नान हम अक्सर शादी पार्टियों में या रेस्टोरेंट में तंदूर में बने हुए बटर नान खाते हैं, पर आज हम घर पर ही आसानी से तवे पर बटर नान बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। एक कप मैदा, दही, नमक, शक्कर, खाने का सोडा, तेल, काले तिल, हरा धनिया, दूध और बटर। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में एक कप मैदा लेंगे। एक कप मैदे में हमारे 2 से 3 बटर नान बन जाएंगे आसानी से। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स करते हैं और बीच में हम इस तरह से थोड़ा होल करेंगे, जगह बनाएंगे, और उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें दही मिलाएंगे। उसमें हम 1/4 टीस्पून शुगर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून सोडा डालेंगे। ये हमने एक कप मैदा लिया है इसलिए हम 1/4 टीस्पून सोडा डाल रहे हैं। आप यदि 2 कप मैदा लेंगे तो आपको दुगना यानी 1/2 टीस्पून सोडा डालना है। सोडा मिक्स करेंगे उसमें। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून तेल मिक्स करेंगे और सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस तरह सबको अच्छी तरह मिलाने के बाद हमें ये गुनगुना दूध लिया है, थोड़ा सा वार्म मिल्क है, इससे हमें मैदे को गूंथना है। ये हमने एकदम ढीला आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे तेल लगाएंगे थोड़ा सा और इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देना है, जिससे कि हमारे नान एकदम सॉफ्ट बनेंगे। आप अधिकतम 4 घंटे भी रेस्ट दे सकते हैं। अभी हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ रहे हैं। ये 2 घंटे बाद हमारा डो फूलकर अच्छी तरह रेडी है। अब हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे फिर से मस लेंगे। अब हम इसकी इक्वल 3 लोई बनाएंगे इस तरह से। अब हम इस लोई को थोड़ा सा मैदा लगाकर और थोड़ा सा लंबे शेप में हमें इसे बेलना है इस तरह। हमने इस तरह ये नॉन का शेप दिया है और थोड़ा ठीक इसको बेला है। अब हम इसे थोड़ा इस पर थोड़ा पानी लगाएंगे। पूरे नान पर हमें इस तरह पानी लगाना है। अब हम इस नान को गरम तवे पर सेकेंगे। जो साइड हमने पानी लगाई है वो साइड तवे पर नीचे जाएगी इस तरह से। थोड़ा सा हमने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। अब हम वापस ऊपर से पानी लगाएंगे इस पर और इस पर हम काले तिल और थोड़ी बारीक धनिया पत्ती हम इस पर डालेंगे और पानी वाले हाथ से हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे। हमें तवा ये लोहे का ही लेना है क्योंकि हम इसको पलटेंगे और सेकेंगे। यदि हम नॉन स्टिक का तवा लेंगे तो ये हमारा स्लिप हो सकता है। अब हम थोड़ी गैस की फ्लेम बड़ी करते हैं और तुरंत ही हमें इस तवे को इस तरह उल्टा करके और ऐसे सेकना है। फ्लेम पर हमें इस तरह से सेकना है। इस तरह से हमें सब दूर से अच्छी तरह गोल्डन कलर तक आने तक सेकना है इसे। ये हमारा नान फूलने लगा है।
ये हमारा नान रेडी है अच्छी तरह सिक गया है। अब हम गैस बंद करेंगे। ये हमारा नान पूरी तरह दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गया है। देखिए इधर से दोनों साइड्स अच्छी तरह सिक गई है, रेडी है। अब हम दूसरे नान की तैयारी करते हैं। इस तरह से हमने ये दूसरा नान भी बेल लिया है। इस पर हम थोड़ा पानी लगाएंगे। अब हम वापस इसे तवे पर डालेंगे। ये पानी वाली साइड नीचे जाएगी तवे पर। गैस को हमने थोड़ा धीमा कर दिया है। ऊपर से हम इस पर फिर से पानी लगाएंगे और थोड़े काले तिल और थोड़ी धनिया पत्ती इस पर डालेंगे। पानी वाले हाथ से दबाएंगे। अब गैस को बड़ा करते हैं और तुरंत ही हम तवे को उल्टा करेंगे। ज़्यादा देर तक हमें इस पर रखना नहीं है। वापस इसे हम इस तरह तवे को उल्टा करके फ्लेम पर नान सेकेंगे गोल्डन कलर आने तक। सब साइड से अच्छी तरह सिकना चाहिए ये। क्या हमारा नान अच्छी तरह फूल गया है। ये देखिए इसमें थिकनेस अच्छी है इसलिए पूरा फूल चुका है। नान रेडी है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब ये हमारा नान दोनों तरफ से अच्छी तरह सूख चुका है। नान बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। अब हम इस नान पर बटर लगाएंगे अच्छी तरह। इसी तरह दूसरे नान पर भी लगाते हैं और इसे हम अब सर्व करेंगे। इस तरह से हमने ये बटर नान सर्व किए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर सब्सक्राइब करें।